नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के बहुत ज़्यादा अफवाहें उड़ रही है और उसमें मिर्च मसाला मिलाने का काम हमारे मीडिया ने कर दिया है। ओमिक्रॉन आया या नहीं आया, तुरंत तुरंत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबर फैलने लगी कि विश्व में ओमिक्रॉन वायरस आ गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी वैक्सीन है वो सारी की सारी वैक्सीन नाकामयाब होने वाली है, वैक्सीन काम नहीं कर रही है। डेल्टा वेरिएंट जो कोरोना का अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और डेल्टा प्लस, बोले डेल्टा प्लस से भी 40 गुना ज़्यादा तेजी से वायरस फैल रहा है ओमिक्रॉन। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, डिस्कस आगे करूँगा, लेकिन एक क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और डेल्टा प्लस आया, इनके अध्ययन करने में समय कितना लगा था? जैसे ही आप जानते हैं, थोड़ा बेसिक समझे, इस प्रकार से ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश, यहां पर कोरोना का पिता वहां चाइना, चाइना का वुहान शहर में दिसंबर 2019 में कोविड आया और हमने वैक्सीन कब शुरू किए, 2021 में 1 अप्रैल को। आपने 19 से पूरा 20 निकाल दिया, पूरा 2020 निकल गया, 2021 का आधा निकल गया, 1.5 साल यानी 18 महीने लगभग आपने वैक्सीन ढूंढने में लगा दिया। एक वायरस का कितना तेज प्रभाव है उसका तोड़ क्या है ये ढूंढने में लगा दिया, और अब आप कह रहे हैं कि जैसी ओमिक्रॉन आया तुरंत तुरंत व्यक्ति उससे, कितने व्यक्ति को मृत्यु हुई है, कितने व्यक्ति को इसमें जान गई हुई है, कौन से व्यक्ति इसमें इफेक्टेड हुआ, ये अध्ययन करने के पहले ही आपने कह दिया कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, ये कैसे संभव है? आपने एक खबर तो सुनी होगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका देश में एक व्यक्ति को सजा होती है, उसको फांसी होती है, और वहाँ के जो जेल के अधिकारी, उन्होंने निर्णय लिया कि बोले हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे शरीर में से, हमारे मस्तिष्क से हॉर्मोन्स निकलते हैं कि नहीं निकलते, ये चेक करने के लिए उसको फांसी पर लटकाने की बजाय ये एक निर्णय लिया गया कि एक बहुत ही काला नाग, किंग कोबरा, हम ला के सामने दिखा देते हैं जिसको फांसी हो रही है उसको, और उसको दिखा दिया, आंखें बंद कर दी और उसको एक पिन टॉर्च दिया। 15-20 मिनट के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, सांप ने उसको नहीं काटा, काटा था पिन ने, हमने जैसा सोचा वैसे हमारा माइंड काम करता है, हमारा हार्ट काम करता है, और उसको अटैक आ गया, व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेकेंड लहर में ज्यादा यही हुआ था कि लोगों को डरा दिया गया, लोगों को घबरा दिया गया, घर से बाहर निकले मतलब कोरोना मुंह फाड़ के गेट के ऊपर खड़ा हुआ है ये सोच के व्यक्ति डर के वैसे ही अटैक में मारा जा रहा है और दूसरे को बता नहीं पा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यही अभी हो रहा है ओमिक्रॉन को लेकर के, इसी के ऊपर मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करने वाला हूं। आइए हम चलते हैं, साथ ही यहां पर अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप में साउथ अफ्रीका देश यहां पर है। साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन वायरस आया हुआ है, विश्व के विभिन्न देशों में कोरोना फैल चुका है और स्वाभाविक है कोरोना है, घातक तो है ही, लेकिन इसके इलाज भी संभव है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया ने खबर पहुंचा दिया कि ओमिक्रॉन की इंजेक्शन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, भैया कैसे वैक्सीन नहीं है? उसी के कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक ने स्पष्टीकरण कर दिया कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डॉक्टर ने कह दिया वैक्सीन नहीं है, ऐसा घोषणा कर दिया। लेकिन वहीं पर भारत देश की एक महिला है, सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर महिला, उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारे भारत देश की वैक्सीन 100% असफल हो, ऐसा हो नहीं सकता, चाहे वो कोरोना का कोई भी वेरिएंट आ जाए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन कोई भी आ जाएगा तो भी हमारे भारत देश की वैक्सीन कारगर रहेगी। और आखिरकार वही बात पे सामने आई, अभी बताऊं आपको, 8 दिसंबर 2021 को यहां तक पहुंचते पहुंचते रिपोर्ट ही आई कि पहले 40 गुना तेजी से वायरस काम कर रहा है, 20 गुना हुआ, 15 गुना हुआ, 7 गुना हुआ, 5 गुना हुआ, फिर 2 गुना, और अभी खबर ये आ गई है कि डेल्टा से भी कमजोर ओमिक्रॉन है। जो डेल्टा वायरस था, डेल्टा प्लस था, इससे भी कमजोर ओमिक्रॉन है। यानी हमारी भविष्यवाणी सही थी कि 1720 में वायरस आया, 1820 में वायरस आया, 1920 में आया, 2020 में आया। इन सब की यदि लहर की बात करते हैं आप, तो पहली जो लहर थी वो सामान्य थी, सेकेंड लहर बहुत घातक हुई, लोग
हर कोई व्यक्ति ने अपना ना मारा, ऐसा हुआ नहीं सेकंड लहर में। और थर्ड लहर जो है, थर्ड लहर फिर हल्की फुल्की हो गई, क्योंकि हमने सेकंड लहर जो थी, जो सेकंड लहर थी, उस सेकंड लहर में हमने बहुत कुछ काम कर चुके थे, इसीलिए थर्ड लहर फिर ना के बराबर रही। अभी भी कोरोना में यदि थर्ड लहर आती भी है तो हल्की फुल्की सर्दी खांसी में हमारा कोरोना खत्म हो जाएगा, मतलब हमारा जो है व्यक्ति ठीक हो जाएगा और कोरोना खत्म हो जाएगा। ये थर्ड लहर के लिए हमने तैयारी कर लिया है। भारत देश की सरकार ने भी उसके लिए परिपक्वता दिखाते हुए अभी 2021 में भारत देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने घोषणा किया हुआ है कि हमारे भारत देश में वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत अच्छे काम चल रहा है। उन्होंने कह दिया है कि भारत देश में अभी एक दिन में 80 लाख डोज लग रहे हैं, 123 करोड़ लोगों को कोरोना से बचने के लिए टीके लग चुके हैं, 123 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है, 80 लाख टीका पर डे लग रहे हैं भारत देश में, वैक्सीन अवेलेबल है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा, फिर भी भारत सरकार ने घोषणा किया हुआ है इस स्पीड से यदि लगता है तो फिर भी हमको 78 दिन का समय अभी लग जाएगा। साथियों, हमारी गलती ये हो रही है कि हम जल्दी जल्दी टीका नहीं लगवा पा रहे हैं। 78 दिन लग जाएगा, यानी अभी आपको लगभग 2.25 महीने लगने वाला है, और 2.25 महीने में थर्ड लहर यदि आ गई है तो फिर तबाही मचा देगी। लेकिन हमको सुरक्षित होना पड़ेगा। और एक बात तो ये, दूसरी बात, अभी एक डेटा कहता है कि 123 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई है, 80 लाख पर डे के हिसाब से लग रही है, 78 दिन बाकी अभी लग जाएंगे हमको। लेकिन ये गलती हम लोगों के माध्यम से ये हो रही है कि हमारे पास भारत देश में जनता निवास कर रही है, भारत की जनता, पहला डोज तो उन्हें लगा लिया है, लेकिन सेकेंड डोज लगाने के लिए ऐसे 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका पहला डोज लग गया था, सेकेंड डोज की डेट आ गई है और डेट भी चुका दिया है, फिर भी वो वैक्सीनेशन नहीं लगवाए हुए हैं। भैया, ऐसे व्यक्तियों से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, भगवान आपको बचाए और आपकी जल्दी वैक्सीन सेकेंड डोज लगा ले तो आपको आप बच जाएंगे, और नहीं तो इनके साथ आप भी निपट जाएंगे। इनको या तो आप खुद लगाना चाहते हैं या आपके तक भारत सरकार पहुंच नहीं पा रही है। यदि नहीं पहुंच पा रही है तो यहां तक हमको भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। वैक्सीनेशन ही उपाय है ओमिक्रॉन से बचने का, दूसरा ऑप्शन नहीं है। सही है, घातक नहीं है, मानते हैं हम इस चीज को, ओमिक्रॉन घातक नहीं है, लेकिन फिर भी आने वाले समय में ओमिक्रॉन का और भी कोई दादा आ जाए, परदादा आ जाए, जैसे ऐसी भी वायरस आ जाएगा जिसके आने से हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं हो, तो इसलिए जल्दी जल्दी कोरोना खत्म करना होगा, इसके लिए वैक्सीनेशन ही एक उपाय है। तो एक एग्जांपल आपको दूं मैं, 2021 में जो ओमिक्रॉन को लेकर के जानकारी आई है, आप यहां पर समझ लें, इस प्रकार से एक देश है यहां पर अफ्रीका महाद्वीप में, साउथ अफ्रीका देश है, साउथ अफ्रीका देश में मैं वैक्सीनेशन को लेकर के आपको एक प्रमाणिक एग्जाम्पल दे रहा हूं। 95% केस ऐसे आए हैं अफ्रीका में जिसको वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी थी और ओमिक्रॉन हुआ, लेकिन ओमिक्रॉन से कोई व्यक्ति मरे है ऐसा अभी कोई डेटा हमारे पास नहीं है, मतलब कोई न्यूज़पेपर में कहीं पर भी मीडिया के माध्यम से कोई डेटा नहीं आया है और कोई भी साइट पर ऐसा भी डाटा नहीं है। बस ये है कि 95% लोग भारत देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पे साउथ अफ्रीका में बिना वैक्सीनेशन वाले उत्पन्न हुए, मतलब वैक्सीनेशन ही एक उपाय है। हमें वैक्सीनेशन को बहुत तेज करना होगा, जनता तक पहुंचना पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो हम सबकी सहयोग आप लीजिए, हम सब पारदर्शिता के तौर पर हम काम करेंगे और भारत देश की रक्षा करने के लिए आह्वान किए जाने पर हम तुरंत भारत माता की सेवा में तत्पर रहेंगे। तो साथियों, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा, भारत देश का सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य, इसमें 96% लोगों को केरल राज्य ने वैक्सीन कर दिया है, सेकेंड नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश हो गया है 94%, और अच्छी बात है कि MP लगातार आगे बढ़ रहा है, लगभग 5.5 करोड़ लोगों को मध्य प्रदेश ने वैक्सीन लगा दिया है। जिनने भी वैक्सीन नहीं लगाया है वो कृपया करके जल्दी से वैक्सीन लगवा ले, और सेकेंड लहर में जैसे लोग मरे हुए थे वैसे अब तबाही ना मचे, इसके लिए थर्ड लहर को हमको हराना है, इसके लिए वैक्सीनेशन जरूर हमको लगाना है। उम्मीद करूंगा आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो कल सुबह आपको फिर से मिलेगा, अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।